बरसाती नाले में फंसे पर्यटक, मसीहा बनकर पहुंचे जवान। इन दिनों बारिश का प्रकोप उत्तराखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं टिहरी जिला भी बारिश के बाद काफी प्रभावित नजर आ रहा है। टिहरी जिले के धनौल्टी में भी भारी बारिश जारी है, लेकिन इसके बाद भी धनौल्टी में पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है। भारी बारिश के चलते जंगल नाला उफान पर आ गया। वहीं इस नाले के ऊपर बना लकड़ी का अस्थायी पुल भी बह गया। इस वजह से पुल के दूसरे छोर पर बने रिजॉर्ट में कुछ पर्यटक समेत स्थानीय लोग फंस गए। मिली जानकारी मुताबिक 8 पर्यटक दिल्ली से आए थे, जो कि नाले के उस पार रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। वहीं 9 स्थानीय लोग भी फंस गए। मौके पर ही स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस चौकी कुमलाड़ा को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा SDRF की टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पोस्ट सहस्त्रधारा से SI लक्ष्मी रावत के नेतृत्व में SDRF रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई। SDRF टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपनायक गदेरे में से रोप की सहायता से दिल्ली से आए 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोगों को सकुशल पार कराकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। ये रेस्क्यू तुरंत किया गया। सफल रेस्क्यू के बाद पर्यटकों ने SDRF टीम का धन्यवाद किया। इन दिनों बारिश के बाद जगह जगह कुछ इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। टिहरी से कृष्ण गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।